हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चैटर बॉक्स। आई एम स्मिता। तो कैसे हैं आज आप सब? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्वीडिश लैंग्वेज सीख रही हूँ यहाँ पे। तो हाल ही में मेरा नेशनल प्रूफ हुआ है, नेशनल एग्जाम हुआ है लेवल सी के लिए, और आज रिजल्ट आया है एंड आई एम पास। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कितना टाइम लगा लेवल सी का एग्जाम देने के लिए, मैंने क्या क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की, और यहाँ के स्कूल्स में पढ़ाई कैसे होती है स्वीडिश लैंग्वेज की, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और मेरे क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आए हुए स्वीडन में 3 साल हो गए हैं और अब जाके फाइनली मैंने एग्जाम दिया है। फाइनली मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं स्कूल में एडमिशन ली थी स्वीडिश सीखने के लिए, लेकिन जैसे सारी कायनात मुझे रोक रही हो स्वीडिश सीखने के लिए। कभी कोविड आ गया, कभी मेरी प्रेगनेंसी, तो कभी मुझे इमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ गया, तो इसी वजह से इतना लंबा गैप हो गया। तो ये जो इतना लंबा सा गैप हुआ, इसे मैंने एकदम से वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बेसिक स्वीडिश सीख चुकी थी। तो जब भी मैं कभी किसी दुकान में जाती थी काउंटर पे, या फिर अपनी बेटी के स्कूल में, या फिर रास्ते में कोई मिल जाता है जिससे बात करना हो, मैं हमेशा स्वीडिश में ही बात करने की कोशिश करती थी। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि जब मैं गोथेनबर्ग शिफ्ट हुई तो मेरे जो पड़ोसी हैं वो भी दूसरे कंट्री से हैं और उनको सिर्फ अपना लैंग्वेज में बात करना आता है और स्वीडिश में बात करना आता है, उनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता। तो इसी वजह से हम जो भी कम्युनिकेशन करते थे वो स्वीडिश में ही हमसे बात करते थे, और मुझे जितना भी टूटा फूटा स्वीडिश आता था मैं वैसे ही बात करती। और उसके बाद फिर मैंने इस साल फरवरी के एंड में SFA क्लासेस फिर से ज्वाइन किए, और मार्च, अप्रैल, मई और जून के सेकेंड वीक में मेरा एग्जाम हुआ, यानी कि लगभग 3 मंथ्स में मैंने अपना लेवल सी का जो तैयारी था वो मैंने कर लिया था। क्योंकि क्लास में पढ़ाई होती थी, वहाँ बैठ के पढ़ाई करती थी, और पड़ोसी में जाकर उनके घर पे जाके बातें करती थी, तो मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाता था, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी कवर कर लिया। और ये हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम अभी तैयार हो चुके हैं एग्जाम देने के लिए, चलो एग्जाम दे देते हैं, ये डिसाइड हमारी टीचर करती है। टीचर हमारा असेसमेंट करती है, वो क्लास में नोटिस करती है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, वो एग्जाम देने के लायक है कि नहीं। दे डिसाइड यस दैट यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी नए लैंग्वेज को सीखने के लिए, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। एंड स्वीडिश लैंग्वेज में ग्रामर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो क्लास में हमको ढेर सारा नोट्स मिलता था, असाइनमेंट्स मिलता था, बहुत सारे होमवर्क मिलता था, तो रीडिंग और राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाता है। और लिसनिंग के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि रेडियो सुनना है, या फिर आप कहीं ट्रेन में या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके आसपास स्वीडिश में कोई बात कर रहा है तो वो सुन सुनकर क्लास में पढ़ाई होती है। और उसके बाद आपको बहुत कुछ, जैसे जैसे हम कुछ सीखने लगते हैं, नया लैंग्वेज सीखने लगते हैं, तो हम कहीं जाते हैं तो हम उसको फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कहीं भी जाते हैं तो वैसे सुन सुनकर फिर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको कई एप्स के बारे में बताया जाएगा, कई लिंक्स आपको मिलेंगे जहां पर आप सुन सकते हैं और सुनकर सीख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। एंड लास्ट, टॉकिंग और स्पीकिंग, इसका प्रैक्टिस भी क्लास में बहुत अच्छा होता है। तो वीक में 3 से 4 दिन ऐसा होता है कि आपको ग्रुप्स में, तीन से चार लोगों के ग्रुप्स में आपको बिठा दिया जाता है और आपको एक दो टॉपिक दे दिया जाएगा और उसमें आपको बैठकर डिस्कशन करना है स्वीडिश में, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है प्रैक्टिस के लिए क्योंकि डिस्कशन जो है एक पार्ट रहता है एग्जाम का। तो एग्जाम के 1 वीक पहले हमको नोटिस मिला कि हमारा एग्जाम है नेक्स्ट वीक में, उसके हिसाब से तैयारी हमने शुरू कर दिया था। तो स्वीडिश में रीडिंग को कहते हैं लैसा, राइटिंग को कहते हैं स्क्रीवा, और टॉकिंग या स्पीकिंग को कहते हैं तौला, और लिसनिंग को कहते हैं होरा। तो 4 सेक्शन होता है और चारों सेक्शन जो है हमारा अलग अलग डेट्स में था। तो मेरा लैसा और स्क्रीवा जो था एक दिन था, नेक्स्ट डे था होरा, और उसके बाद वाले दिन था स्क्रीवा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और हियरिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्वीडिश लैंग्वेज में, या फिर जब आप SFA का एग्जाम दे रहे हैं तो किस टाइप का पैटर्न रहता है एग्जाम का। रीडिंग में यानी कि लैसा में 2 सेक्शन होता है, लैसा ए एंड लैसा बी। उसमें आप छोटा सा कोई कॉम्प्रिहेंशन या फिर छोटा सा कोई स्टोरी या फिर कोई ब्लॉग होगा जिसको आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको पढ़ना है, समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। इसमें 2 पार्ट्स होता है, लैसा ए एंड लैसा बी। तो इसमें ग्राफ्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं जिसको आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये रहता है रीडिंग सेक्शन में। लैसा ए और लैसा बी के लिए 60 to 70 मिनट्स मिलता है आपको, लैसा ए के लिए भी 60 to 70 मिनट्स एंड लैसा बी के लिए भी 60 to 70 मिनट्स।
देन राइटिंग में अगर आ जाते हैं, स्क्रीवा में, स्क्रीवा में आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में आपको लिखना है, या फिर आपको एक मेल मिलेगा जिस मेल का आपको रिप्लाई करना है। तो जैसे हम लोगों ने जब तैयारी किया था, हमने नेट पर सर्च किया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीवा में, क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, या फिर हमारे से जो सीनियर है जो डी में पढ़ रहे हैं उन लोगों से हमने कॉन्टेक्ट किया और उनसे पूछा कि आप लोग के टाइम पर क्या क्या एग्जाम में आया था और हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो हमको बहुत सारे टॉपिक्स मिले, जैसे कि माई ड्रीम हाउस, मिथ ड्रॉम हूस, मिन लैगन हेथ, माई अपार्टमेंट, एंड फेस्ट, ए पार्टी और ए फेस्टिवल, एंड रेसा, ए जर्नी, या फिर योर फेवरेट मूवी, ऐसा कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपको लिखने के लिए। या फिर एक मेल आया है जिसका आपको रिप्लाई करना था, जो कि मेरे क्वेश्चन पेपर में था। तो मुझे मिला था, एक मेरी फ्रेंड है जिसने मुझे मेल किया है कि वो अभी नए लैगन हेथ में, मतलब कि नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही है और उसको मेरा हेल्प चाहिए। तो मैं उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कब हेल्प कर सकती हूँ, और मेरी जो फ्रेंड है उसने ऐसा पूछा कि जो जो मेरा हेल्प करेगा मैं उसको लास्ट में एक पार्टी देना चाहती हूँ, तो वो घर पर पार्टी दूँ या रेस्टोरेंट में पार्टी दूँ, तुमको क्या लगता है? तो इसका मुझे रिप्लाई करना, सो इट वाज इजी, ज्यादा टफ नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आता है तौला, स्पीकिंग या फिर टॉकिंग में। उसमें दो सेक्शन होता है, एक होता है समतौला और एक होता है तौला। समतौला का मतलब होता है टॉकिंग, जिसमें कि दो स्टूडेंट्स रहेंगे जो आमने सामने बैठे रहेंगे और आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के बारे में आप दोनों को 10 to 15 minutes के लिए डिस्कशन करना है। तो उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, आप कैश यूज करते हैं या फिर कार्ड यूज करते हैं, आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या ऑफलाइन शॉपिंग पसंद है, आप अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए जिम जाते हैं या फिर घर पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स मिल सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि आपको क्या लगता है आपके लिए बेस्ट क्या है, एक बिग सिटी में रहना या फिर एक स्मॉल सिटी में रहना। देन नेक्स्ट आता है तौला। तौला में आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसके बारे में आप बताएंगे अपनी टीचर को, आपके सामने आपकी टीचर बैठी हुई रहेगी। इसमें भी आपको 5 to 10 minutes तक बोलना है। तो इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स को जो टॉपिक आया था मैं बताती हूँ। अगर आपको 1 million crowns मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे, कि आप किसी जर्नी के बारे में बताइए जो आप पहले कर चुके हैं। और मुझे पूछा गया था आपका एक स्पेशल डे के बारे में बताया, आपके लाइफ का एक स्पेशल डे। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे। So it was a very good experience, amazing experience to learn a new language. तो finally level C का session मेरा खत्म हो गया है। अभी जून का एक वीक ही बचा हुआ है और उसके बाद जुलाई पूरा एक सेमेस्टर है जो हमारा छुट्टी रहेगा। उसके बाद अगस्त से नया सेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कोर्स डी। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने मिला होगा या फिर कुछ नया सीखने मिला होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching. Bye-bye.